हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स बैक इन माय चैनल। आज हम अरवी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो अरवी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने पहले इसको अच्छे से वॉश करके और इसको बॉईल कर लिया था। ये मैंने 250 ग्राम अरवी ली है। तो इसको हम इस तरह से बॉईल करने के बाद इसका जो इसका छिलका है इस तरह से हटा देंगे और इसको अच्छे से जो है छील करके रेडी कर लेंगे सब्जी बनाने के लिए। तो इसी तरह से हमें बाकी की अरवी को भी छील लेना है। साथ ही साथ मैंने ये दो आलू को सॉरी मतलब तीन मीडियम साइज़ के जो है आलू लिए हैं उनको भी मैंने अरवी के साथ में ही इस तरह से दो भागों में करके और उसको बॉईल कर लिया था। अगर इसको हम इसको कट करके बॉईल नहीं करते तो ये तो बहुत ज़्यादा कुक हो जाती और ये हाफ कुक होता, इसलिए हमने इस तरह से इसकी मोटाई के अकॉर्डिंग हमने आलू को दो टुकड़ों में काट करके बॉईल करके ले लिया है। तो हम आलू को भी फटाफट से छील लेंगे और अरवी को भी फटाफट से छील करके तैयार कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अरवी को भी अच्छे से छील करके रेडी कर लिया है और जो हमने तीन आलू लिए थे मीडियम साइज़ के उनको भी हमने छील करके तैयार कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, इनको जो है छोटे छोटे शेप में इसको कट कर लेना है। तो अरवी और आलू को दोनों को हमने इस तरह से छोटे छोटे शेप में काटा है। अरवी को मैंने इस तरह से राउंड शेप में काटा है। आप चाहें तो अपना जिस शेप में आप इसे कट करना चाहते हैं आप उस शेप में से कट करें। अभी हम क्या करेंगे कि कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में हमने दो बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ी सी राई चटका लेंगे, साथ ही साथ हम इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डालेंगे और अभी हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। इसके बाद ये मैंने तीन हरी मिर्च को बारीक काट करके लिया था, ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डाल देंगे जिससे होगा ये कि ये जो हरी मिर्च है वो इस तरह से उछलेगी नहीं। अभी हम इसके अंदर ये मैंने चार पांच लहसुन की कलियों को बारीक काट करके ले लिया था, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। मैंने एक इंच अदरक के टुकड़े को इस तरह से इसके अंदर कद्दूकस करके ले लिया है। अभी हम इसको इस तरह से चला लेंगे। अभी हमने क्या करना है कि ये जो हमने आलू और अरवी ली थी उसको इसके अंदर डाल देंगे, वही के अंदर एक ही साथ में, और इसे अब एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। आराम आराम से इसे मिक्स करना है, नहीं तो ये मैशी हो जाएगी, क्योंकि अरवी जो है वो थोड़ी लार छोड़ती है। लेकिन इसको हम आलू के साथ इसीलिए कुक कर रहे हैं ताकि हमें ये जो है अरवी लार नहीं छोड़े और परफेक्ट बने, टेस्ट भी इसका इससे अच्छा आएगा। अभी हम इसके अंदर बाकी के जो सूखे मसाले हैं वो डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम हल्दी डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही हल्दी डाल दिया था, तो ज़्यादा हल्दी इसमें नहीं डालेंगे हम। थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर, तो ये एक चम्मच धनिया पाउडर इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अभी हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। और फाइनली हम इसके अंदर स्वादानुसार नमक डालेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले को इसके अंदर अरवी के अंदर।
तो जिसको भी अरवी की सब्जी पसंद नहीं है वो इस तरह से अरवी की सब्जी को जरूर से बना के ट्राई करें, आपको जरूर से ये पसंद आएगी। इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, जैसे कि आलू जीरा को टाइम लगता है उसी हिसाब से अरवी भी फटाफट से बन करके तैयार हो जाती है। तो अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, तेल गर्म था तो हल्दी वगैरह जो भी है बाकी मसाले वो भी सारे अच्छे से कुक हो गए हैं। तो ये हमारी गर्मा गर्म जो है अरबी की सब्जी बन करके तैयार हो गई है। इसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अब काफ़ी अच्छी दिख रही है ये, और जितनी अच्छी दिख रही है उतनी ही ये खाने में भी आपको टेस्टी लगेगी। इस पे आप बाद में थोड़ा हरा धनिया डाल करके आप सर्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही इसमें गर्मा गर्म इसको आप सर्व करें, चपाती पूरी पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, आपको ये बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियो डालूंगी तो आपका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज़।